बाय बाय। बेसिकली अभी टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं वैसे 4 बजे का उठा हुआ हूँ, क्योंकि जो हमारे रूममेट्स हैं ना, मैंने मिलवाया नहीं फिलहाल उनको तुमसे, तो उन सब ने आज वापस निकलना था, तो इसलिए रात भर हम बातें करते रहे और इस चक्कर में भाई व्लॉग में उनको लेना ही भूल गया। और साथ साथ में आज का हमारा प्लान ये है कि अभी हम फिलहाल जा रहे हैं गंगा जी के किनारे। जाने का फिलहाल प्लान तो दोनों का ही है, लेकिन वो घोड़े बेच के सो रहा है इंसान हमारा, देखता हूँ उसको जाके उठाता हूँ। फिलहाल हॉस्टल में यार इसलिए ही ऑप्ट करता क्योंकि ताकि यार दूसरे बंदों के साथ मिलके जो भी ट्रैवल फ्रीक्स है उनके साथ उनका एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ, उनको अपना एक्सपीरियंस मैं बता सकूँ, और ट्रस्ट मी यार लोगों के बारे में आपको और जानने का मौका मिलता है इन हॉस्टल के जरिए। सो बेसिकली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ यार, मैंने भी लोगों के बारे में बहुत जाना क्योंकि कल हम फर्स्ट टाइम मिले थे यार सारे आज सुबह निकल के, लेकिन रात भर जो बातें हुई है ना भाई क्या बताऊँ, मतलब रात से दिन क्या हो गया ये तो बस पता ही नहीं लगा। फिलहाल एक बात कहूँ, ट्रस्ट मी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ये हरकत करी है मैंने, मैं कभी हॉस्टल में रहा नहीं यार ना स्कूल टाइम से ना वैसे ही, बट ये वाला एक्सपीरियंस ही नेक्स्ट लेवल था यार। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ भाई एक बार तो ट्राई करना बनता है। भाई भाई उठ गया हमारा, स्पेशली नींद कैसी है तेरे को? कैडी नींद आई ना, कैडी नींद तेरे को ऐसे नहीं लगा जैसे ट्रेन के अंदर सो रहे हैं, मतलब इसकी वजह से, आवाज की वजह से? हां इसकी आवाज की वजह से ट्रेन में, लेकिन हमारा वो कोई कह नहीं सकता, हम लॉन्ग सुन रहे ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम मुझे सुन सकते। ओके स्ट्रगल देख रहे हो आप इसका, अभी ये जेंगा जेंगा खेलेगा बताओ। हाँ बता, खेलना वैसे इसे भी नहीं आता जो व्लॉग कर रहा है। हाँ हाँ खो खो खेल के बड़ा हुआ है ये ना, जैसे मेरे को व्लॉग नहीं आता वैसे इसके ही नहीं। तो बेसिकली ये इंसान ऐसा है, लोग बाहर आते हैं दूसरे शहर में घूमने फिरने आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, चिल करने आते हैं और माइंड को फ्रेश करने, पर ये लाता सोने साला दोपहर कर दी इसने, अब उठाए देख लो क्या हालत हो गई है। गहरी नींद में था मैं, बहुत बढ़िया नींद। उसके बाद से कहता गोवा बीच चलेंगे, गोवा बीच चलेंगे, गोवा बीच, आधे रास्ते से वापस लेकर आ गया। फिर सुनी इसने गालियां, ऐसे हरकतें। अब धूप में बंदा कहाँ घूमे, राजस्थान वाली फीलिंग आ रही है मेरे को इस टाइम। जी वैसे अच्छा है, सामने का व्यू दिखाएगा अगर तो बहुत बढ़िया। वो तो दिखा ही रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे। तो भाई आपको नहा के कैसे लगे एकदम? पाप धो लिया आपने अपने सारे? धोए मैंने, अब और पाप करूंगा जाके। बताओ ऐसा इंसान है ये कहता है कि मैं पहले पाप धोने आया हूँ उसके बाद दोबारा पाप करूंगा, बताओ यार पाप ए, लेकिन करने ए, भाई पाप। ऐसा इंसान है ये, इसने मेरे से झूठ बोला बताओ, किसी लड़की से बात करता हो भाई से छुपाया, वैसे भाई भाई करता है बताओ, प्यार करता है इसकी बताओ यार, तेरे को दिल में चोर है, बोलेगा नहीं कुछ भी भाई। देखो ऐसा मैंने कहा नहीं चलो भाई, ऐसा बंदा अगर तुम्हारी जिंदगी में होगा ना इसको निकाल देना सबसे बढ़िया। अपनी जिंदगी में कॉन्सेंट्रेट करो तुम, ठीक है अकेले ही घूमने जाओ, पर से अब अगला देखोगे भाई के साथ एक लंबा टूर, बहुत लंबा। अकेला जाएगा भाई? भी जाएगा मेरे साथ, कम से कम हफ्ते से 10 दिन का टूर होगा वो।
सो वापस आते आते टाइम करीब यार करीब 5:30 हो गए थे, और जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने 2 दिन पहले ही ई पास के लिए अप्लाई कर दिया था जिसका कोई रास्ते में यूज़ नहीं हुआ। तो यार अगर आप लोग भी उत्तराखंड आना चाहते हैं तो आप चाहो तो ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि यार वीकेंड पे आना अवॉइड ही कर रहा है क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, बट मेरे को नहीं मिला क्योंकि जिस दिन मैं गया था लोग उस टाइम वापस आ रहे थे। तो यार ये वाला व्लॉग मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाने का ट्राई किया था, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और इसके साथ ही यार मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है यहाँ पे यार। जैसा मैं सोच के गया था कि नए लोगों से मिलूंगा, उनके साथ अच्छी बातचीत हो जाएगी, तो वही हुआ। तो खैर ज़्यादा क्राउड तो था नहीं क्योंकि मैं एक दिन लेट गया था वीकेंड के बाद ही। और इसके साथ साथ यार हम लोग एक नई ट्रिप भी प्लान करेंगे जल्दी। यार सबको यही सजेस्ट करूंगा कि यार एक ना एक बार तो आप एक बार हॉस्टल का मज़ा लेकर ही देखो यार, एक वन टाइम एक्सपीरियंस लेकर देखो। और मेरे आगे आने वाले जो भी ट्रिप होंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि यार हॉस्टल में रुकूं। तो यार बस यही था आज की वीडियो में, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फैब था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, ठीक है। मोटिवेशन लेकर आनी है आप सबने। ओके तो मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए स्टे अवेयर। यार सेम मेरे साथ भी सिचुएशन हुई। क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ है कहीं पे, गोली गोली चली है क्या पीछे।